जब मेरे को लगा कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, मतलब हो ट्रांसफर तो होना ही है, तो मैं ना मतलब एकदम नंब हो गया। तो मैं उधर स्टैंड पे बैठ रहा आधे घंटे तक, मतलब होता है ना कि दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या कहते हैं। मैं इतने इनसे सोच रहा था कि इसके अंदर जाने के पैसा लगता है, इसलिए हमें स्कूल ट्रिप में ले नहीं गए टीचर लोग हमारे, लेकिन यहाँ पे फ्री में जाना है। हेलो द पीपल ऑफ अर्थ, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उन्हें मालूम होगा कि मेरा पहले मैं अपने घर के पास जॉब करता था, लेकिन मेरा ट्रांसफ़र 18-20 किलोमीटर दूर हो गया है। तो जिस दिन मुझे खबर पड़ी कि मेरा ट्रांसफ़र 20 किलोमीटर दूर हो गया है, तो आई वेंट थ्रू ऑल द 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। तो एक ऐसा दिन आता है जब मुझे जाना था मेडिकल के लिए, तो वो मेरा एक लास्ट होप था कि मैं जाऊँगा उधर के सीनियर से बात करूँ कि मेरा ट्रांसफ़र इतना दूर मत करो। तो ये उसी दिन का व्लॉग है, आगे देखते हैं क्या होता है। ओके भाई, तुम्हें उखलाया हुआ था तो सोचा क्यों ना चलते कालका जी मंदिर। मैं बस देखा कि डिस्टेंस मतलब पास में था कालका जी मंदिर का, तो चलते हुए यहाँ पे आ गया। तो पहले हम लोग प्रसाद फिर चलेंगे अंदर मोंटी कहीं गाँव की। तो भाई मैंने ले लिया प्रसाद, अब चलता हुआ मैं अंदर। और शूज़ मैंने दुकान पे जमा कर दिए हैं, शूज़ पहन के जाना अलाउ भी नहीं है और पहन के जाना भी नहीं चाहिए आइडियली देखा जाए तो हाँ चलता हुआ। तो हुआ यूँ कि मैं काम से रिलेटेड आया था, मेरा ट्रांसफर हुआ है, तो मैं उससे बातचीत करने आया था। तो ट्रांसफ़र तो रुका नहीं, मतलब ट्रांसफ़र तो हुआ ही, क्योंकि मेरे को मतलब मैं पहली बार ऐसे घर से बहुत दूर तक मैं जॉब करूँगा, एक घंटे का रास्ता है वह। तो ना जब मेरे को लगा कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, मतलब हो ट्रांसफ़र तो होना ही है, तो मैं ना मतलब एकदम नंब हो गया। तो मैं उधर स्टैंड पे बैठ रहा आधे घंटे तक, मतलब होता ना कि दिमाग काम नहीं कर रहा। तो फिर मैं कहा देख, फिर मैंने जगह चेक करी, मैंने देखा कि मंदिर है आसपास, तो मैं कहा चलो मंदिर में चलते हैं, दिमाग शांत करते हैं। माता को कौन याद करता है, जब परेशानी रहती जब भी बंदे याद करते हैं। तो अपन चलता हुआ, यहाँ भीड़ ही भीड़ है। फन फैक्ट ये कि मैं नहाया नहीं हूँ, नहा के नहीं आया, मैंने रात में जॉब करी, फिर मैंने सोचा अगर नहाया तो मैं नींद नहीं आएगी, पता नहीं, मैं तो नहाया नहीं और मैं आ गया। लेकिन मैं फास्ट हूँ, चूँकि यहाँ पे हेल्थ चेकअप भी कराना था यहाँ पे ऑफिस पे, तो मेरा वो खून निकाले हैं, मतलब होता है ना हेल्थ चेकअप, ऐसे तो मन तो भी शांत होने लगा है। जिसमें मैं ब्लॉक कर पा रहा, अब तक मैं नम बैठा, मतलब आधे घंटे में मैं बैठा था, फिर मैं मेट्रो की सीढ़ी बैठ गया और मैं जा रहा हूँ। भाई लाइन बहुत बड़ी है, जितना बड़ा मेट्रो होता है ना, उसमें मेट्रो से बड़ा लाइन है। दर्शन हो गया और ये प्रसाद मिला है, हाँ तो चलता हुआ मैं अपने शूज के पास, जहाँ शूज उतारे हैं। 60 रुपए के दो है, 60 के एक है। यहाँ माला फूल मिलते हुए कड़े वड़े जो भी। ओके गाइस, तो मंदिर घूम के मैं सोच रहा हूँ चला जाऊँ लोटस टेम्पल, तो वहाँ निकल गया हूँ, लोटस टेम्पल पास है मेरे, और मैं लंच भी लाया था, बिकॉज देखो जब मेडिकल को बोला था ना कि मेडिकल भी होगा, बोला था कि फास्ट करके आना, मतलब कुछ खा के मत आना, तो फास्ट रख लिया था, तो मैं लंच ले आया था अपने बैग में। तो वहाँ चलते हुए मैं लोटस टेम्पल, वहाँ अगर जगह मिले तो खा लूँगा, तो जगह तो खूब सारा है, मैं एक बार गया था 9th क्लास में लोटस टेम्पल, स्कूल टूर था, तो चलते हैं, और कब से चल रहा हूँ जैसे चल रहा हूँ, हाँ मज़ा आ रहा है वैसे यहाँ। तो भाई मैं आ गया लोटस टेम्पल के गेट पे, और यहाँ अनाउंस कर रहे हैं कि बैग में खाने का सामान नहीं होना चाहिए, मेरे बैग में तो लंच है, उसका तो मैं अंदर लंच कर नहीं सकता, तो लो यहीं से देख लो लोटस टेम्पल कैसा है। भाई लोटस टेम्पल आ गया हूँ, और वैसे तो मेरे दोस्तों के साथ घूमने का मेरा मतलब हमेशा होता है, लेकिन आज पहली बार मतलब मैं अकेले घूमने आया हूँ, मेरा ब्लॉग करने का मन कर नहीं रहा है, क्योंकि दोस्तों के साथ रहो तो ब्लॉग करने में मज़ा आता है, अकेले में फिर मज़ा नहीं आ रहा मेरे को, पता नहीं क्यों, पता है ना वो अंदर का जो वाइल्ड वाइल्ड जानवर जाके नहीं रहा ब्लॉगर वाला। तो मैं सिंपली से बना रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे 9th क्लास में आया था, मेरा पहला क्लास स्कूल टूर था, मैंने पर चार चक्कर लगाया था, लगता है कि हम सेम जगह पर घूम रहे हैं ऐसा लगता है, स्टार्टिंग और एंड लगता नहीं कौन सा स्टार्टिंग कौन सा, घूमते जाओगे घूमते जाओगे ना, चारों तरफ घूमोगे ना लगेगा कि बस कि वहीं पे थे वहीं पे चले आए। इसके अंदर मैं नहीं गया था उस टाइम पे, आज भी नहीं जाऊंगा, तो पास आ गया अब तो।
मेरे बैक साइड में दिख रहा होगा यहाँ पे 7 पेड़ लगे हैं सीधे लाइन में, तो इससे मुझे वो मंजर याद आ रहा है रामायण का, जब श्री राम जी ने 7 पेड़ों को एक तीर मारा था। तो वहाँ ऐसे 7 पेड़ तीर से पेड़ थे, तो उन्होंने एक तीर में सारा पेड़ काट दिया था 7 के 7। तो हाँ, यहाँ की सबसे एक बहुत सबसे बड़ी बुराई है कि तुम बैठ नहीं सकते। मुझे से लाल किला गए वहाँ पे तुम बैठ सकते हो, और इंडिया गेट गए वहाँ बैठ सकते हो पार्क में, लेकिन यहाँ पे कोई बैठ नहीं सकता, जस्ट चलते रहो चलते रहो भाई। कुछ लोग कहते हैं आ जा, कोई नहीं भाई, तो हाँ भगा देंगे, चलो नहीं जाना उधर, बोल रहे बंदे भगा देंगे उधर, भगाएंगे तो नहीं यार। हाँ भगा तो रहा है, नहीं भगा रहा है। तो भाई यहाँ से आपको थैला लेना होगा, फिर जूते इसमें रखेंगे जब एंट्री होगी आपकी। ये सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन कोई बंदा ना मर जाए मेरी बॉक्स के स्मेल से। तो इसके बाद थैला वो इधर से चलेगा, बाकी लोग इधर से चलेंगे। यहाँ से होता है सूज जमा सबके, तो भाई ये मिल गया B7। तो लास्ट में हमारा स्कूल का ट्रिप आया था, उस टाइम मैं अंदर गया नहीं था, मैं हमने मतलब फिर ले नहीं गए थे टीचर लोग अंदर, तो मैं पहली जा रहा हूँ अंदर स्कैन प्रोडक्ट टेम्पल के अंदर, तो मैं अंदर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग इन। अंदर जाते हुए तो भाई अपना कट गया, मैं सोचा कि हम अंदर जा रहे हैं, अंदर नहीं, हम इसके साथ चारों तरफ घूमेंगे ऐसे गोल गोल। तो मैं आ चुका हूँ, पहले भी स्कूल टाइम भी ऊपर लाया था ऊपर, तो उसे चारों तरफ ना ऐसे बना पुल ना, ऐसे हर तरफ पुल बना हुआ है सारे कोने पर, तो लगेगा ना आपको आप उसी प्लेस पे हो, घूमते रहोगे ना लगेगा ना कि आपने पूरा घूम लिया। तो अभी तो मैंने स्टार्ट करा था, तो यहाँ पर थोड़ा भूल भुलैया टाइप है। इसके अंदर शायद कुछ चैंटिंग होती है, हाँ मंत्र वंत्र कुछ पढ़े जाते हैं, उसके अंदर जाना, हाँ उसके अंदर शायद पैसा लगता है जाने का, इसलिए मंदिर नहीं गए थे पिछली बार। तो अभी मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं जा रहा हूँ उसके अंदर, फोन में करता हूँ बंद अपना, शायद उसके अंदर अलाउ भी नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं है वो वीडियो बनाना। तो हाँ मैं चलता हूँ अब, या लेट्स गो। ओके भाई, तो अंदर से भी होया, और झूठ में वो बन रखा जा करते हैं। मैं इतने इनसे सोच रहा था कि इसके अंदर जाने के पैसा लगता है, इसलिए हमें स्कूल ट्रिप में ले नहीं गए हैं टीचर लोग हमारे, लेकिन यहाँ पे फ्री में जाना है। और वहाँ पे सिर्फ क्या है, बस तुम्हें बैठना है और शांति से बैठना है अपना, जिसको याद कर हमने भगवान को याद कर सकते हो। तो मैं तो मतलब बैठा रहा शांति से 10-15 मिनट, उसके बाद मैं आ गया बाहर। हाँ तो इसलिए बाहर पार्क में नहीं बैठने का दे रखा, क्योंकि वहाँ पे अंदर बैठना है इसलिए लोग, ताकि अंदर बैठ सके बाहर ना बैठें। तो जहाँ पे अंदर बैठे नहीं होता वहाँ पे बाहर बैठाते, जैसे मान लो लाल किला किला वहाँ बाहर बैठाते हैं, वहाँ अंदर बैठने कुछ नहीं होता। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अंदर बैठो बाहर नहीं बैठना, सही है। और अब तक मैं ये सोच रहा था कि स्कूल वाले हमारे नहीं ले गए, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था इसलिए ले नहीं गए हमें इसके अंदर, लेकिन नहीं है। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you. Okay, तो जहाँ तक मुझे याद है ना, हम लोग आए थे स्कूल वाले दोस्त लोग, हमने यहाँ फोटो खिंचा था, जो पेड़ है ना यहाँ फोटो खिंचा था, 4-5 लोग मिलकर ग्रुप में। तो आज इस ग्रुप में मैं अकेला हूँ, बाकी तो बंदे पता नहीं कहाँ होंगे। तो मैं इस पेड़ के साथ खिंचा था हमने फ़ोटो, ऐसे मैं इधर खड़ा था, मैं लगा दूँ फोटो पर मिलेगा तो शायद, या मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कौन सा, लेकिन इधर ही कहीं था। तो एयरप्लेन जा रहा है यहाँ पे, एयरप्लेन ये चौथा पांचवा एयरप्लेन देखा हूँ अभी तक का। वेल मेरे को यहाँ की दो चीज़ खराब लगी, एक तो यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं, एंट्री फीस होना चाहिए एटलीस्ट, कुछ तो रेवेन्यू जनरेट हो सरकार को इससे, 20-25 रुपया तो कर देती है ना, तो होना चाहिए यार। लेकिन एक भी कर रखा, फ्री कर रखा है एंट्री, तो हो सकता है शायद ये मंदिर के नाम, मतलब मंदिर है ना लोटस टेम्पल, इसलिए शायद फ्री कर रखा होगा। लेकिन एक्सपेक्टर बढ़िया है। और दूसरा चीज़, वॉशरूम में सोप नहीं था, जब मैं लास्ट बार इधर गया था जंतर मंतर, वहाँ पर मतलब वहाँ का वॉशरूम बढ़िया था, वहाँ सोप भी था, तो मैंने उसको शायद क्लिप लगाया नहीं लगाया उस वीडियो में, लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पे सोप नहीं था इस बार। तो बहुत ही मतलब अनाज ही लगता है जब सोप नहीं मिलता ना, तो तुमको लेफ्ट हैंड का यूज़ नहीं करना होता उसके बाद,
जब तक तुम कोई सोप ना पालो, तो ये सीन हो जाता उसके बाद। हाँ क्या क्या बात करता रहा लोग भाई एट, यही तो मेन बातें हैं। मेन लोग हाइजीन की बात करते नहीं है, एटलीस्ट कोई तो बात कर रहा है। वहाँ लगता है बोरिंग सा, तो जो असली मर्द होंगे, मतलब जो दुनिया को देख चुके होंगे, वही वहाँ टिक पाएंगे। वरना जो लोग मतलब रंगीन दुनिया में होंगे, वो तो नहीं, वहाँ एक मिनट नहीं टिकेंगे। स्वाद हुआ ये कि मैं गया अपने कंपनी के ऑफिस में, मैं हेड ऑफिस गया। दूसरा गया मैं कालका जी मंदिर, और थर्ड गया मैं लोटस टेम्पल। तो पूरा दिन मतलब बन गया। और ड्यूटी पे तो भाई वो ट्रांसफर नहीं रुकने वाला, ट्रांसफर मेरा वहीं होगा। कल शायद ओपनिंग है, कल से मतलब मेरा जाना तय है शायद। अरे बेटर पर कैसे जाएंगे। तो बात ये हुई कि मैंने बोल रखा था अपने सीनियर्स को कि मैं नहीं करवाऊँगा वहाँ पे। तो मैंने कहा कि या तो मेरा ट्रांसफर कर दिया, तो मुझे कोई ऐसा मुझे ऐसा कन्विंस करूँ कि मैं मान जाऊँ, मतलब ऐसा। तो उन्होंने ऐसा मेरे ऊपर मैनिपुलेट किया, मान गया। मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं कर लूँगा। होता है ना, एक बार तुम्हें बस सुनने की जरूरत होती है किसी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि जय, वीरू, गब्बर, वसंती सारे एक साथ बैठे हैं। तो मैंने तो होप खो दिया था कि हाँ, मेरा दाल नहीं गलने वाला, अपना ट्रांसफ़र तो नहीं रुकने वाला। लेकिन मुझे मतलब एक एडवाइस मिल गई मतलब सीनियर से, कि मतलब मैक्सिमम लोग ऐसे घर से दूर जॉब करते हैं एंड दे आर डूइंग रियली वेल। तो मतलब उन्होंने मुझे लगभग 20-30 मिनट लिया कन्विंस करने के लिए कि तू जॉब ये कर ले यहाँ पे। तो हाँ, मतलब मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला कि मैं भी कर सकता हूँ। एंड आज 2-3 महीने हो गए मैं जॉब कर रहा हूँ एंड आई एम रियली हैप्पी। हाँ थोड़ा सा डिस्टेंस है, बट इट्स ऑल गुड। और हमारी छुट्टी हो चुकी है, और मतलब हमारा 5 से 2 का शिफ्ट था। हमने 5 से 4 काम करा, 11 घंटे काम करा। फिर हम वेट कर रहे हैं सुबह होने का, फिर हम जाएंगे चोर बाजार। और जो हमारा स्टोर है ना, उसके पड़ोस में दो काम चल रहे हैं, जो 2 महीने से काम ही चल रहा है उसका भी। एक रस्सी नहीं मिलेगी जो वीडियो लाइक करेगा। अब तो करना पड़ेगा। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking.